চাকুরিচ্যুত 10,300 শিক্ষকদের সমস্যার বিষয়টি কোনো রাজনৈতিক বিষয় নয়, কারণ রাজনৈতিক কারণে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। এই বিষয়টি হচ্ছে যথেষ্ট সংবেদনশীলতার বক্তা প্রদেশ বিজেপির প্রভারী বিনোদ সোনকর। রবীন্দ্র ভবনে অল ত্রিপুরা 10,323 ভিক্টিমাইজড টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাংগঠনিক সভায় এই অভিমত ব্যক্ত করলেন প্রদেশ বিজেপির প্রভারী। সেই সাথে তিনি জানান, রাজ্য সরকার যথেষ্ট সংবেদনতার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়টি সমাধানের জন্য চেষ্টা করছে, তাই অদূর ভবিষ্যতে এই সমস্যার সমাধান হবে। রাজধানীর রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে বৃহস্পতিবার অল ত্রিপুরা 10,323 ভিক্টিমাইজড টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ বিজেপির প্রভারী বিনোদ সোনকর, এছাড়াও প্রদেশ বিজেপির সভাপতি মানিক সাহা সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। এদিনকার সাংগঠনিক সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রদেশ বিজেপি প্রভারী বিনোদ সোনকর বলেন, চাকুরিচ্যুত 10,323 শিক্ষকদের সমস্যার বিষয়টি যথেষ্ট সংবেদনশীল। সেই সাথে তিনি বলেন, রাজ্যে একটি দায়িত্বশীল সরকার চলছে এবং সরকার দায়িত্ব নিয়েই কাজ করছে। कि हम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे, हम अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं रहे, लेकिन एक जिम्मेदार सरकार को जो करना चाहिए, देश के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भी सरकार कैबिनेट में निर्णय लेकर पूरा विचार याचिका दाखिल करती है, ये बात ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसने उस पूरा विचार याचिका को स्वीकार नहीं किया, डिसमिस कर दिया। लेकिन मैं फिर कहता हूं, एक जिम्मेदार सरकार, एक संवेदनशील सरकार को जो करना चाहिए उसने किया है और आगे भी सरकार इसको लेकर चिंतित है, सरकार समाधान के लिए प्रयासरत है। ये बात मैं केवल राजनीतिक रूप से नहीं कह रहा हूं, मैं आज अगर मुख्यमंत्री से मिलकर आपके बीच में आया हूं तो उस संवेदना को मैं स्वयं महसूस किया हूं, उस संवेदना को स्वयं मैंने देखा है। তিনি বলেন, চাকুরিচ্যুত 10,323 শিক্ষকদের সমস্যার বিষয়টি নিয়ে রাজ্য সরকার যথেষ্ট সংবেদনশীল। তিনি চাকুরিচ্যুত 10,323 শিক্ষকদের সমস্যার বিষয়টি অদূর ভবিষ্যতে সমাধান হবে বলে আশ্বাস প্রদান করেন। कि सरकार आपके विषय को लेकर संवेदनशील है और सरकार जो कर सकेगी निश्चित रूप से शिक्षक समाज के लिए, शिक्षकों के लिए निश्चित रूप से करे। और आज से मैं भी अपने आप को आप लोगों से जोड़ के महसूस करूंगा। जब मैं ये सारी बातें कह रहा हूं तो मीडिया के बंधु भी है इस बात को जान ले कि कोई बात मैं राजनीतिक रूप से नहीं कह रहा हूं। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से कहा कि अब ऐसे कार्यक्रम में मुझको चुनाव के बाद नहीं चलेंगे। সেই সাথে তিনি বলেন, 10,323 শিক্ষকদের সমস্যার সমাধানে তিনি সরকার ও শাসক দলের মধ্যে সমন্বয়ের ভূমিকা পালন করবেন। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल सोच है, जो मूल संस्कृति है, मूल विषय है हमारे लिए समाज सेवा पहला। ठीक है, राजनीतिक दल के नाते चुनाव के समय राजनीतिक चर्चाएं होती हैं, लेकिन मैं आज इस आपके संगठन से अपने आप को आपकी रूप से जुड़ा भी महसूस करता हूं और इस बात को विश्वास दिलाता हूं कि संवेदनशील सरकार, जिम्मेदार सरकार को जो करना चाहिए करिए करेगी और निश्चित रूप से उसमें मैं भी, जैसे भगवान राम ने लंका विजय के लिए समुद्र पे पुल बनाया था तो एक गिलहरी ने भी अपना योगदान दिया था, तो एक प्रभारी के नाते गिलहरी की भूमिका में मैं भी आपके साथ रहने वाला हूँ। তিনি আক্ষেপের সাথে বলেন, চাকুরিচ্যুত 10,323 শিক্ষকদের সমস্যার বিষয়টি কোনো রাজনৈতিক বিষয় নয়, কারণ রাজনৈতিক কারণে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। এই বিষয়টি হচ্ছে যথেষ্ট সংবেদনশীলতার। कुछ लोग इसकी राजनीतिकरण करने का प्रयास कर रहे हैं, पहले भी आपका राजनीति से बहुत नुकसान हो चुका है,
कुछ लोगों ने तत्कालीन राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह की नौकरियों को दिया जो विधि सम्मत नहीं था। लेकिन अगर विधि सम्मत नहीं था तो उसमें कसूर आपका नहीं है। जो लोग सरकार और शासन और सत्ता में थे, जिम्मेदारी उनकी थी। और मुझको आपको बता दूं कि मुझको जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी कुछ लोगों ने आप लोगों को बरगलाने का काम किया, क्योंकि जब मैं मुख्यमंत्री यहाँ से आ रहा हूँ तो कल संगठन के लोगों के साथ भी हम बैठे। অল ত্রিপুরা 10,323 ভিক্টিমাইজড টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের এদিনকার সাংগঠনিক সভায় চাকুরচ্যুত 10,323 শিক্ষকদের উপস্থিতি ছিল নজরে পড়ার মতো। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ ভ্যানগার্ড।